नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक लोकल वीडियो लाइन का टीवी आया है जो बिल्कुल डेड है। इसमें कोई लाइट टूट कहीं नहीं जल रहा। देखिए, मैंने चालू कर दिया, कोई लाइट वगैरह कहीं नहीं जल रहा। तो आइए चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। पहले मैंने वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने बैक कवर इसका खोल रखा है। ये देखिए, मैंने खोल लिया, मैं बंद कर लेता हूँ सप्लाई। अब देखिए, यहाँ पर चेक करते हैं। ये मैंने चालू कर लिया, एसी मोड में मल्टीमीटर को कर लिया। यहाँ पे जो वो आ रहा है, यहाँ एक सेकंड देखिए दोस्तों, जो स्विच से होके एसी के न्यूट्रल और फेस आ रहा, देखिए यहाँ पे तो 238.5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्यूज लगा है। तो ये देखिए, यहाँ नहीं आ रहा। ये लाइन ड्राइवर लगा है और इसके बाद यहाँ पे पीटीसी लगा है और ये डिकोजिंग कॉइल के लिए वायर जाता है। चार डायोड लगे हैं फिल्टर, जिसके बाद यहाँ पे 330 वोल्टेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अभी प्लेट को मैं प्लेट पलट के देखता हूँ फ्यूज ख़राब है क्या। ये देखिए, ये देखिए फ्यूज कितना बुरी तरह से उड़ा है, दिख रहा होगा आपको, शीशा बिल्कुल फट गया है। तो पहले तो इसको फ्यूज ना लगा के हम इसको सीरीज में बल्ब लगाएंगे। आगे हमारा शॉर्टिंग वोटिंग होगा तो उससे सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टिंग होगा, कुछ उड़ा होगा। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर फ्यूज लगा दें तो फ्यूज उड़ेगा और आगे भी पार्ट्स और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए पहले हम फ्यूज पे, दोनों पॉइंट पे सीरीज में बल्ब लगाएंगे 100 वाट का। जब तक दोस्तों फ्यूज पे मैं सीरीज में बल्ब लगा रहा हूँ, तब तक आपसे एक निवेदन है दोस्तों। आप हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए। ये दोस्तों, मैंने बल्ब को फ्यूज की जगह पर सीरीज लगा दिया। ये देखिए, बल्ब का कनेक्शन मैंने कर दिया। अभी यहाँ से देखिए, ये फ्यूज के थ्रू लाइन ड्राइवर के प्राइमरी में आ गया। अब हमें सेकेंडरी में यहाँ पे 230 वोल्ट मिलना चाहिए। जितना प्राइमरी में आएगा, देखिए 243.1 आ रहा, तो यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। तो चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। अभी बजर मोड में मैंने कर लिया, या तो लाइन ड्राइवर ख़राब है। ऐसे देखिए, सिंबल बना पड़ा है कॉइल की, तो ये नहीं बज रहा है। देखिए दूसरी तरफ बज रहा है और ये नहीं बज रहा है, तो मतलब लाइन ड्राइवर ख़राब है। तो मेरे पास एक दूसरा प्लेट टीवी का प्लेट पड़ा है, ये पुराना प्लेट है। इसमें से लाइन ड्राइवर सेम ही प्लेट है, 57 LO का प्लेट है, ये भी 57 LO का है। तो इसमें लाइन ड्राइवर निकाल के लगाता हूँ। ये देखिए, ख़राब वाला मैंने निकाल लिया ये लाइन ड्राइवर, और दूसरे प्लेट में से मैंने लाइन ड्राइवर, तो ये इसको डाल के आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने लाइन ड्राइवर को बिठा दिया। अब इधर से इसको सोल्डिंग मारता हूँ। ये देखिए, मैंने कर दिया, चौथा पिन भी कर दिया। अब आपको मैं इसकी सप्लाई लगा के चालू करके दिखा। अभी बल्ब जला था, अब देखिए यहाँ पे अपना एसी वोल्टेज आना चाहिए। ये देखिए, ये आ गया 238 आ गया। अब यहाँ पे फिल्टर पे आपको 330 करीब मिलेगा। ये देखिए, थोड़ा सा वोल्टेज कम आ रहा, 316.3 आ रहा। तो ये यहाँ तक तो सेक्शन ओके हो गया। अब 110 चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए अपना 110 भी ठीक है, तो अपना टीवी ओके हो गया। देखिए 110 की जगह पे 107 वोल्ट, तो प्रीसेट से आप बढ़ा सकते हैं या प्रीसेट 202.2K2 चेंज कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों EHT का ये रेजिस्टेंस जो ओपन कर रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाओ। ये देखिए, ओपन कर रखा है मैंने, जो EHT वोल्टेज आता है। तो इसको कनेक्शन करके और दिखाते हैं दोस्तों। मैंने EHT के
पास जो 2.2 ओम का रेजिस्टेंस ओपन कर रखा था उसको लगा दिया। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब इसको टीवी को चालू करके देखते हैं। ये देखिए अपना ये 110 बन गया। एक बार इसको ऑन करके दिखाते हैं, पैनल या रिमोट से ऑन करके दिखाते हैं। मैंने ये प्लग चालू कर दिया, देखिए यहाँ पे स्टैंड बाई का लाइट जल गया। पैनल का पुराना होता तो पैनल ख़राब हो जाता, तो मैं इसको 57 LO से चालू करके देखता हूँ। मैंने चालू कर दिया, देखिए ये भी ऑटो आ गया। एक कलर का पेच आ रहा जो PTC ख़राब हो सकता है, तो उसको तो बाद में कर लेंगे। आपको पिक्चर पहले दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने सेटअप बॉक्स का AV का तार ऑडियो वीडियो का लगा दिया, TV को ऑन करा, ये रिमोट से मैंने चालू कर दिया। देखते हैं पिक्चर और आई कि नहीं। ये देखिए पिक्चर आ गई दोस्तों। कलर में थोड़ा पेच है, तो PTC आप बदल देंगे, दो टांग वाली या तीन टांग वाली, तो कलर का पेच या डिकोजिंग मशीन आता है मारने वाला, पेच मारने वाला, उसको भी मार के आप। ये देखिए आवाज़ भी आ रहा है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।